हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे देख सकते हैं कि यार सब सामान ऑलरेडी पैक है, हेलमेट में गोप्रो लग चुका है, बस बाकी सब का वेट है। और मैं हूं अभी और आप लोग देख रहे हैं अभी व्लॉग। और आज यार बड़ी मस्त दिन है क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले हैं दुमका से सिक्किम के लिए। क्या कुर्ता है रे? तो बात ऐसे है कि रात का टाइम है यार, क्योंकि हम लोग नाइट में निकले हैं, क्या करेंगे यार, कसम से बोल रहे हम तो बोले थे दिन में जाएँ, लेकिन सब सामान ऑलरेडी पैक होके गाड़ी में बंद भी चुका है। जैसे कि वो तो अड़े हैं नहीं, ये जो सामने ड्यूक है उसमें बंद चुका है, देखो बाहर में है, जैसे देख रहे हैं गाड़ी में सामान लद रहा है। मतलब यार उसमें बांध के होता है ना, ट्रिप पे जा रहे यार तो होगा ना। तो भाई हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे टॉर्चो, क्योंकि यार टॉर्चो में जाकर हम लोग को वहाँ जाके तेल भरना है। अब ऐसे तो नहीं कि यार जाएंगे फिर तेल भरेंगे फिर जाएंगे फिर तेल भरेंगे, क्योंकि हम लोग को एक बार में यहाँ से निकलना है। हम लोग का स्टॉप है सिलीगुड़ी, तो यहाँ से हम लोग किसी भी तरह जाके सिलीगुड़ी तक पहुँचना ही पहुँचना है। मतलब एक बेट में कहीं उतरना उतरना नहीं, एक बेट में निकल के डायरेक्ट सिलीगुड़ी पहुँचना है। यार आज का मौसम बहुत बदला बदला सा लग रहा है, कसम से बोल रहे हैं। मतलब कि अभी जैसे हम निकले ना, ऐसे लग रहा है मौसम जैसे कि बारिश रहेगा, और देख कर लग नहीं रहा, मतलब कि पूरा आसमान पूरा काला है, ना चांद दिख रहा है, ना सितारे दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब यार समझ रहे हो, मतलब कि इतना गलत टाइम हम निकल रहे हैं, और अब निकल चुके हैं तो कैसे बोलेंगे। अभी पंप की ओर जा रहे हैं, जाके तेल भरेंगे भाई। अब ऐसे गलत ऐसे तो तेल भर सकते हैं, पूरा टैंक फुल कराना ही होगा। तो तब तक लोग बने रहे, आप लोग रहते हैं पंप में। तो यार अभी हम लोग यहाँ टावर चौक में हैं, और हम लोग इधर से होते हुए निकलेंगे। तो जैसे कि दिवेश का हम लोग वेट कर रहे, क्योंकि ये भैया दोनों को तो तेल भरना है नहीं, दोनों पहले से फुल है। जो दिवेश है वो गया है टैंक फुल कराने। अब हम लोग यहाँ टारचोला पंप में हैं। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 24 आवर खुला रहता है, और ऊपर से यहाँ पर दुमका में 90 XP 95 ये बस यहीं पे मिलता है। यार दुमका में ये बड़ी नामचीन पंप है, सही में बता रहे हैं, अगर दुमका में पूछे तो सही में। तो यार हम लोग का टैंक फुल हो चुका है, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ दुमका से, क्योंकि भाई हम लोग इधर से होते हुए जाना है हजडिया होते हुए, तो दुमका छोड़ के जा रहे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि होता है ना दुमका में इतना भटकते रहते हैं और यहाँ से जा रहे हैं। तो भाई भाई दुमका आएंगे भाई एक सप्ताह बाद, जैसे अभी है वैसे रहना, मतलब बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन यार बारिश दे रहा है तो हमको लग नहीं रहा कि जाएंगे नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए चैनल में बने रहेगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। A few minutes later. अच्छा बात नहीं है। तो यार भारी दिक्कत हो गया, क्या है ना हम लोग यहाँ पर नूनी हाट के पास रुके हुए हैं, और ऊपर से यार बारिश इतना देर क्या ही बोलेंगे, यहाँ हम लोग फंसे हुए हैं फिलहाल ये वाला पंप में है। अगर आप लोग अगर कभी आए हैं नूनी हाट रास्ता में तो आपको पता होगा शायद। अरे यार, और वो रहा हम लोग की गाड़ियाँ, धन्नु बेबी, अच्छा अच्छा बुलबुल बेबी, अच्छा कोई बात नहीं दोनों ही हैं। तो हम लोग निकलेंगे अभी कुछ देर में। हाँ पानी जहाँ तक लग रहा कम हो गया है भाई, निकलेंगे। पता बिजली कड़क रहा ऊपर से, देखो HP गैस ई में है, बोका चौदह गाड़ मारेंगे अच्छे से हम। तो फिलहाल दोस्तों निकलने वाले हैं, और अभी जैसे लग रहा है मौसम में सुधार आ गया है, तो निकल जाएंगे आराम से, हॉस्टल में रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी। तो इसके बाद यहाँ से हजडिया, हजडिया से सिलीगुड़ी, तो हम लोग का वही होता है ना, निकलेंगे भाई आराम से, क्या दिक्कत है। मेरा वैसे बैटरी लो होने वाला, तो आप लोग को डायरेक्ट अपडेट देंगे हाँ हजडिया में, नहीं तो सिलीगुड़ी में, ठीक है, ले बने रहिएगा। तो यार अभी बारिश रुक गया है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यार ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पर लोग बहुत टाइम खाया कसम से बोले, बस 2 घंटे से रुके हुए थे। अब हम लोग तो बैठ गए, भैया बैठेगा यहाँ से निकलेंगे आराम से, क्योंकि हम लोग को किसी भी हाल में सुबह तक सिलीगुड़ी पहुँचना है। जैसे कि अभी हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हम लोग रास्ता में जा रहे, क्योंकि यार अभी कहीं रुकना उकना नहीं है, अभी डायरेक्ट जाके डायरेक्ट रुकना है सिलीगुड़ी में। और ऊपर से ये कि इतना बारिश दिया, इतना होता है ना पानी अभी भी हल्का फुल्का दे रहा था, हम इतना स्पीड नहीं जा रहे हैं, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, मतलब हल्का फुल्का धीरे धीरे इतना स्पीड में 30-40 की स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि स्लिप बहुत कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग में तो ABS समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा बाइक है वो प्रो मॉडल है ना, तो उसमें ABS नहीं है, इसलिए आराम से जाएँ कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे वीडियो पे बने रहिए, हम अपडेट देते रहेंगे। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब यहाँ दुमका से लेकर पहला ब्लॉग है, इसका फिर आएगा, तो तब तक ले बने, तब तक आप लोग को आगे का फिर आगे बताएंगे।